नमस्कार न्यूज के दिन विशेष कार्यक्रम में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करते हो भारतीय इतिहास में 28 दिसंबर का दिवस कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है आज का दिन अठारह में भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी इसके संस्थापक महासचिव एम ह्यूम थे जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बैनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था अपने शुरुआती दिनों में कांग्रेस का दृष्टिकोण एक कुलीन वर्ग की संस्था का था इसकी शुरुआत इस सदस्य मुख्य रूप से बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से लिए गए थे कांग्रेस में स्वराज का लक्ष्य सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया था आज के दिन ही उन्नीस में बिजनेस जगत के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू अंबानी का भी जन्म हुआ था साथ ही उन्नीस में टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा का भी जन्म हुआ था तो आज के दिन विशेष कार्यक्रम में वक्त चलाई यही रुकने का ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बी न्यूज नमस्कार